हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रांस ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर सेवन और इस चैप्टर का एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन एंड सेवन पॉइंट टू देखेंगे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कॉन्ग्रांस का मतलब क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट का जिसका साइज एंड शेप सेम हो उसको कहते हैं कॉन्ग्रां शेप फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ब्लेड हैं और दोनों ही ब्लेड को ऐसे अगर हम लोग रखते हैं एक के ऊपर एक सेम टू सेम होगा इसको कहते हैं साइज एंड शेप भी सेम है तो इसी को ही कॉनग्रांड कहते हैं सेकेंड केस में दो किताब है इन दो बुक के बुक ऐसे अगर रखते हैं एक के ऊपर एक रखने से एकदम साइज़ एंड शेप में सेम है इसी को भी कहते हैं कॉनग्रांड थर्ड केस में दो बिस्किट है दोनों साइज एंड शेप में सेम हैं दैट मीन्स ये भी है कॉनग्रांड एंड फोर्थ केस में दो डॉल देखने में टोटली सेम है साइज भी सेम है एंड शेप भी सेम है ये भी है कॉनग्रंट शेप कॉनग्रंट और प्लेन फिगर ये दोनों प्लेन फिगर कॉनग्रंट है. अगर इसको एक को हटा के आप और एक के ऊपर में रखते हो टोटली आप लोगों को समझ में नहीं आता कि दोनों अलग अलग शेप है. बट यहाँ पे आप लोग हटा के देख सकते हो कि दोनों अलग अलग शेप है तो ये हो गया कॉनग्रंट जिसका दोनों ही साइज शेप एवरीथिंग सेम है नेक्स्ट अब दोनों लाइन अगर इस लाइन को देखते हैं ए बी और सी डी दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है सेम लाइन है तो इसको कह सकते सेम लाइन मतलब सपोज सेम लेंथ दोनों का लेंथ सेम होना पड़ेगा एंड सेकेंड केस में आप लोग देख सकते हो पी क्यू एंड आर एस में पी क्यू थोड़ा लंबा है आर एस से दैट मीन्स इसका लेंथ ज़्यादा है पी क्यू का लेंथ आर एस से ज़्यादा है तो पी क्यू एंड आर एस कॉन्ग्रंट नहीं होगा बट ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रांट होगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इफ टू लाइन सेगमेंट हैव दी सेम लाइन हैव दू लाइन सेगमेंट हैव दी सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रांट अगर दो लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम होता है तो हम लोग कह सकते हैं वो कॉन्ग्रांट है ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रांट दे हैव द सेम लेंथ अगर दो कॉन्ग्रांट होते हैं तो लेंथ भी सेम होगा अगर वो लेंथ सेम होता है तो कॉन्ग्रांट होगा एक और एक का रिवर्स या फिर वाइज वर्सा आप लोग कह सकते हैं लेंथ सेम होने से कॉनग्रेंट होता है कॉनग्रेंट होने से लेंथ सेम होता है नेक्स्ट कॉनग्रेंट ऑफ एंगल फर्स्ट केस में आप लोग देख सकते हो ये फोर्टी डिग्री है सेकेंड केस में भी फोर्टी डिग्री है थर्ड केस में थर्टी डिग्री है और फोर्थ केस में फोर्टी डिग्री है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट केस में फोर्टी डिग्री तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये होगा कॉनग्रांट एंड थर्टी डिग्री ये नहीं होगा कॉनग्रांट एंड ये फोर्टी डिग्री फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ वाला पोर्शन होगा कॉन्ग्रांट इफ द एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉनग्रांट ऑल्सो इफ द एंगल्स आर आर मेजर्स सेम दैट द देर सेमस और रिवर्स नेक्स्ट ऑफ ट्राइंगल अब ट्राइंगल कॉन्ग्रांट कैसे है तो so, सबसे पहले इस ट्राइंगल को उठा के हम मैं अगर इस ऑपोजिट और एक जो ट्राइंगल है इसके साथ रख देता हूं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि दो ट्राइंगल है अभी हम लोग फिर सेपरेट से कर लेते हैं दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर लिए दोनों ट्राइंगल को ठीक है इसके बाद दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रांड कब होता है ट्राइंगल कॉन्ग्रांड तब होता है जब उसका साइड इक्वल होता है सपोज ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया ठीक है तब हो सकता है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रांड अगर उसका वर्टिसेस जैसे कि ये ए बी और ये सी और ये पी ये क्यू और आर वर्टिसेस कॉरस्पोंडिंग वर्टिसेस जैसे कि ए कॉमा पी इसके बाद बी कॉमा क्यू एंड सी कौमा आर कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस अगर सेम हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे कि ए बी और पी क्यू अभी हम लोगों ने सिंगल लाइन से मार्क करके रखा है बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर इक्वल है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल एंगल ए एंड एंगल पी एंगल ए एंड एंगल पी एंगल बी एंड एंगल क्यू एंगल बी एंगल क्यू एन एंगल सी एन एंगल आर एंगल सी एंगल आर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो तो दोनों ट्रा एंगल कॉन्ग्रांट होता है नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन कंप्लीट टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रांट इफ दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रांट कब होता है इफ दे हैव द सेम लेंथ दोनों लाइन लाइन का लेंथ सेम होता है ये एक लाइन सेगमेंट है ये एक लाइन सेगमेंट है दोनों का लेंथ सेम होता है इफ दे हैव सेम लेंथ एमोंग टू कॉन्ग्रांट एंगल वन हैज ए मेजर सेवेंटी द मेजर ऑफ अदर एंगल तो अदर एंगल भी कॉन्ग्रांट होगा तो सेवेंटी डिग्री ही होगा When we write angle A equal to angle B, we actually mean angle measurement of angle A, measurement of angle A equal to measurement of angle B. Give two real life example of congruent shape. For an example, two same copy. Okay, uh, science NCERT book, science NCRT book, two science CRT book. नंबर वन नंबर टू दो सेम शेप का बाउल ठीक है टू बिस्किट पैकेट टू बिस्किट पैकेट्स दीज आर द एग्जांपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ए बी सी और ये शेप का नाम होता है नाम है कॉनग्रांट, कॉनग्रांट शेप तो ये सिंबल का नाम है कॉनग्रेंट। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रांट इसी सिंबल से समझाया जाता है ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई डी अंडर द एंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई डी राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंड कॉनग्रेंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ठीक है तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा ये एक ट्राइंगल है तो ये और एक ट्राइंगल है ये ट्राइंगल ए ये बी एंड सी ए के साथ में है एफ तो यहाँ पे एफ बी के साथ में ई e, बी के साथ ई एंड सी के साथ डी सी के साथ डी तो कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल ऑल दी कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल ए ये सिमिलर सिंबल है टू एम्बल एंगल एफ एंगल बी सिमिलर टू एंगल ई एंड एंगल सी सिमिलर टू एंगल डी और उसके बाद कॉरस्पोंडिंग साइड्स ए बी सिमिलर टू ई एफ या फिर एफ ई बी सी सिमिलर टू ई डी एंड ए सी सिमिलर टू एफ डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रां टू बी सी ए राइट ऑल दी पार्ट्स ऑफ बी सी एट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ये एक ट्राएंगल है और ये और एक ये ट्राइंगल है डी E F डी के बराबर B E के बराबर C एंड F के बराबर A राइट ऑल दी पार्ट्स ऑफ बी सी ए दैट कॉरस्पोंड्स टू नंबर वन एंगल ई एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड्स में एंगल सी है तो यहाँ पे होगा सी ई एफ E और एफ के कोरोस्पोंडेंस में होगा सी ए तो यहां पे लिखेंगे सी ए एंगल एफ एंगल एफ के कॉरिस्पोंड्स में होगा एंगल ए तो यहां पे एंगल ए एंड डी एफ डी एफ के कॉरेस्पॉन्ड्स में होगा बी ए ओके नेक्स्ट एस 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 कॉन्ग्रांतर एनस्पेंट्स टू द्रीस्पोंडिंग्रेन द्राइंगल आर कॉन्ग्रांट दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रांट हो सकते हैं सपोज ये फाइव सेंटीमीटर है ये भी फाइव सेंटीमीटर है ये सिक्स सेंटीमीटर है और ये वाला साइड सिक्स सेंटीमीटर है ये वाला साइड सेवन सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड भी सेवन सेंटीमीटर है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है ये साइड और ये साइड भी इक्वल है ये साइड और ये साइड इक्वल, इक्वल है तो साइड 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 कॉन्ग्रांट से हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रांट है साइड 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 रूल से नेक्स्ट साइड एंगल साइड सपोज़ ये है फाइव सेंटीमीटर ये साइड भी है फाइव सेंटीमीटर ये साइड है सिक्सटी डिग्री एंगल है सिक्सटी डिग्री ये एंगल भी है सिक्सटी डिग्री और ये एंगल ये साइड है सेवन सेंटीमीटर और ये साइड भी है सेवन सेंटीमीटर तो साइड इसका एक साइड और इसका एक साइड इक्वल है इसका ये एंगल और इसका ये एंगल भी इक्वल है और इसका ये साइड और इसका ये साइड भी इक्वल है तो साइड एंगल साइड के साथ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रांट है और ये एंगल दोनों साइड के बीच में ही होना पड़ेगा अगर सपोज ये एंगल यहाँ पे भी हो और ये साइड होना पड़ेगा एंगल ये yes, ये वाला एंगल और ये वाला साइड होना पड़ेगा साइड एंगल साइड ठीक है नेक्स्ट एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल सिक्सटी डिग्री है और ये एंगल भी सिक्सटी डिग्री है ये वाला साइड सपोज़ सेवन सेंटीमीटर है और ये वाला साइड सेवन सेंटीमीटर है और ये वाला एंगल सपोज़ सिक्सटी डिग्री है और ये वाला एंगल भी सपोज़ सिक्सटी डिग्री है तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रांट होता है नेक्स्ट आर एच एस आर मतलब दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है एच मतलब हाइपोटेन्यूस ये पोर्शन है 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस इक्वल होना पड़ेगा और दोनों में से ये साइड नहीं तो ये साइड इक्वल होना पड़ेगा सपोज ये साइड सेवन है ये साइड भी सेवन है इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल आर एच एस कॉन्ग्रांसी से कॉन्ग्रांट होगा ठीक है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू विच कॉन्ग्रांस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग गिवेन ए सी अब मार्क करेंगे डायग्राम में ए सी इक्वल टू डी एफ डी एफ देन ए बी ए बी इक्वल टू डी ई डी ई एंड बी सी बी सी इक्वल टू ई एफ ट मींस इस ट्रैंगल का तीनों साइड इस ट्रैंगल का तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग कौन सा प्रोपर्टी यूज करेंगे साइड 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 रूल ठीक है फिनिश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू जेड एक्स जेड एक्स इक्वल टू आर पी इक्वल टू आर पी जेड क्यू जेड सॉरी आर क्यू आर क्यू ये वाला इक्वल टू जेड वाई जेड वाई एंड पी आर क्यू पी आर क्यू बीच वाला ये एंगल एंड एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई बीच वाला ये एंगल मतलब साइड एंगल साइड तो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रांसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रांट हैं ठीक है नेक्स्ट एंगल एम एल एन एम एल एन मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे एल बीच में है तो ये वाला एंगल को समझाएगा एफ जी एच मतलब एंगल जी ठीक है एन एल एन एम एल मतलब ये वाला एंगल एन जी एफ एच एफ बीच में है एम एल ये वाला एन एफ जी ये वाला मतलब एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल रूल ठीक है ई बी ई और बी ये गिवन है बुक में ई बी और बी डी ई इक्वल टू सी बी एनिए वाला एंगल तो ये तो 90 डिग्री का सिंबल है 90 उसका ऑपोजिट जो हाइपोटेन्यूस है यह भी हाइपोटेन्यूस है और इसका एक साइड इसका भी एक साइड तो ये होगा आर एच एस रूल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू यू टू शो ट्रैंगल ए आर टी कॉनग्रां टू पीई एन ए आर टी कॉन्ग्रां टू पी ई एन तो ए आर ए आर इक्वल टू पी ई होगा है ना पी ई अगर एस 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 क्राइटेरिया होता है ए आर इक्वल टू पी ई आर टी आर टी इक्वल टू पी एन ई एन एंड ए टी इक्वल टू पी एन नेक्स्ट इफ इट इज गिवेन दैट एंगल टी इक्वल टू एंगल एन एंगल टी इक्वल टू एंगल एन यू आर टू यूज एस एस मतलब ये वाला साइड एस ये वाला साइड एंगल एन ये वाला साइड एस ए एस देन आर टी आर टी इक्वल टू ई एन एंड पी एन पी एन इक्वल टू ए टी ठीक है नेक्स्ट इट इज गिवेन दैट ए टी इक्वल टू पी एन ए टी इक्वल टू पी एन एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल ठीक है तो फिर से मैं सबको इरेज कर देता हूँ सो इट इज गिवेन दैट ए टी इक्वल टू पी एन ए टी इक्वल टू पी एन एंड एंगल साइड एंगल तो ये वाला एंगल होगा और ये वाला साइड तो दिया हुआ है तो एंगल साइड और ये एंगल ठीक है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल टी क्वल टू एंगल एम एंगल टी इक्वल टू एंगल एम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पी एम इक्वल टू क्यू एम यू हैव टू शो दैट ट्रैंगल ए एम पी कॉन्ग्रां टू एम क्यू इन दॉलोइंग प्रूफ सप्लाई दिसिंग रीजन क्या रीजन होगा फर्स्ट पी एम इक्वल टू एम क्यू ये तो मार्क किया हुआ है बुक में तो ये होगा गिवन नेक्स्ट एंगल पी एम ए ये भी दिया हुआ है तो गिवन एंड ए एम इस ट्रैंगल में भी ए एम आता है इस ट्रैंगल में भी ए एम आता है तो एम क्या है कॉमन साइड है ए एम इक्वल टू ए एम तो कॉमन नाउ ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रां टू एम क्यू कौन से साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रांट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी ये ए ये बी और ये सी ए है थर्टी डिग्री बी है फोर्टी डिग्री एंड सी है वन हंड्रेड टेन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करके देख लेते हैं वन हंड्रेड टेन एंड थर्टी प्लस फोर्टी सेवेंटी टोटल वन एट्टी होता है तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है एंड एक ट्रा है पी क्यू आर जिसका एंगल पी है थर्टी तो ये पी होगा थर्टी एंड एंगल क्यू फोर्टी तो ये क्यू फोर्टी एंड एंगल आर जो कि वन हंड्रेड टेन स्टूडेंट सेज़ दैट ट्रा एंगल ए बी सी टू पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर एंगल 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 कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन इज इट जस्टिफाइड वाई और वाई नॉट तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रा जस्टिफाई हो सकता है ट्राएंगल तो बड़ा भी हो सकता है बिकॉज सपोज इसका साइड है सेवन इसका सिक्स या फिर कोई भी साइड मेजरमेंट है ये ऐसा छोटा ट्राइंगल है बट तीनों का सिक्स थर्टी फोर्टी वन हंड्रेड टेन बट हम लोग ऐसे बड़ा भी बना सकते हैं ट्राइंगल जिसका एंगल सेम हो सकता है थर्टी फोर्टी एंड वन हंड्रेड टेन एक छोटा ट्राइंगल भी पॉसिबल है बड़ा ट्राइंगल भी पॉसिबल है तो इसको उठा के मैं इसमें रखता हूँ तो इसका साइज शेप एवरीथिंग सेम नहीं होगा बट दोनों सेम है देखने में बट साइज़ शेप दोनों सेम नहीं होगा तो इसको हम लोग कॉन्ग्रांड नहीं कह सकते ये हम लोग कह सकते सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रांड सो एंगल 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 क्राइटेरिया जो पॉसिबल नहीं है इज इट जस्टिफाइड नो एंगल एंगल क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं है वाई नॉट बिकॉज मैंने कहा है कि ये साइज अलग हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इन फॉलोइंग फिगर टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रंट दोनों ट्रा कॉन्ग्रंट जो कि मार्किंग से हम लोग समझ पा रहे The congruent uh, corresponding parts are marked. We can write R A T, R single mark है, R के साथ W. तो so, यहाँ पे W and double mark angle A के साथ O and T के साथ N. T के साथ N. W O N. So ये कौन सा क्राइटेरिया है? Side, side, side angle, side. ठीक है साइड एंगल साइड आर टी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है बट इसको नहीं लिखना था हाँ ओनली ट्राइंगल लिखना है क्राइटेरिया यहाँ पे साइड एंगल साइड है फिर साइड एंगल 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 साइड होता है ठीक है बहुत सारा क्राइटेरिया पॉसिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कॉर्स कंप्लीट द कॉन्ग्रां स्टेटमेंट तो बी सी ए बी सी ए कॉन्ग्रां टू बी ठीक है बी तो होगा ही बी देन टी ए बी टी ए और इसका होगा क्यू आर एस क्यू अगेन क्यू तो होगा क्यू देन आर एस था तो अभी सिंगल लाइन आर डबल लाइन तो क्यू आर आर के साथ डबल लाइन डबल लाइन पी भी है पी एंड एस एस और यहाँ पे क्यू के सामने डॉट तो ये नहीं होगा क्यू फर्स्ट सबसे पहले होगा क्यू के साथ सिंगल लाइन Q और यहाँ पे टी और फिर आर डबल लाइन तो यहाँ पे पी होगा एंड एस एस के साथ Q ठीक है बिकॉज हम लोगों ने ये मैच किया ये वाला लाइन और ये Q के साथ टी आर के साथ डबल लाइन आर के साथ पी एंड यहां पे डॉट के साथ यहाँ पे ये डॉट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कहा है इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्र सेम एरिया का स्क्वायर शीट में सपोज ऐसे एक ग्राफ पेपर है आपको इस ग्राफ पेपर में ऐसे ड्रॉ करना है ट्राइंगल सेम टू सेम ऐसे ग्राफ पेपर में आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है ठीक है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रांट तो मतलब आप तीन बॉक्स लेते हैं तो इसमें भी तीन बॉक्स लेना होगा इसमें चार बॉक्स लेते हैं तो इसमें भी चार बॉक्स इसमें पांच बॉक्स लेते हैं तो इसमें भी पांच बॉक्स ठीक है द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रंट एक बड़ा छोटा ट्राएंगल एक बड़ा ट्राइंगल हो गया ट्राएंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रंट वट कैन यू से अबाउट देर पेरीमीटर इसका तो पेरीमीटर सेम होगा और इन सेकेंड केस में पेरीमीटर आर नॉट सेम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट ड्रॉ रफ स्केच ऑफ़ टू ट्राइंगल सच दैट दे हैव फाइव पेयर ऑफ कॉनग्रंट पार्ट बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट फाइव पेयर ऑफ पार्ट सबसे पहले हम लोग एक दो ट्राइंगल बनाएंगे ट्राइंगल सपोज इसका नाम देते हैं ए इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं पी इसका क्यू और इसका आर तो हम लोगों को पता है एंगल 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 क्राइटेरिया तो ऐसा नहीं होता है ठीक है बिकॉज़ तीनों एंगल सेम होने से ट्रायंगल बड़ा छोटा भी हो सकता है ये एक छोटा ट्रायंगल है ये बड़ा ट्रायंगल है और हम लोगों को पता है कि बड़ा छोटा होने से कॉन्ग्रांड नहीं होता है साइज शेप एवरीथिंग सेम होना पड़ता है उसके बाद सपोज़ ये वाला साइड हम लोग तीन साइड टोटल हम लोगों को लिखना है टोटल फाइव साइड्स साइड दे आर है फाइव पेयर तो हम लोगों को तीन पेयर तो हो गया वन पेयर दो पेयर और ये तीन पेयर हो गया अभी और दो पेयर बनाना है अभी ए बी इक्वल टू पी क्यू हम लोग अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड सॉरी एंगल साइड एंगल हो जाएगा तो हम लोग को एंगल साइड एंगल से ये तो कन्ग्रांट हो जाएगा तो हम लोग ये वाला साइड छोड़ के दूसरा कोई साइड लेते सपोज क्यू आर ले लेते हैं क्यू आर तो ए बी इक्वल टू क्यू आर ठीक है और बी सी को ले लेते हैं बी सी के बराबर यहां पे पी क्यू सिक्सटी और एट्टी के बीच में ये वाला एंगल साइड तो बी सी इक्वल टू पी आर ओके ये दो साइड हो गया और साथ में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर तो फाइव पार्ट्स टोटल इक्वल हो गया बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नाट कॉनग्रांड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर टू बी कॉनग्रंट नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टस डेट क्राइटेरियन डीड यू यूज ठीक है एबीसी एंड पी क्यू आर ये कॉन्ग्रंट होगा ठीक है तो कैसे सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है एक एंगल हो गया वन साइड ठीक है सॉरी एंगल और एंगल सी और एंगल आर कहा है इक्वल ठीक है अब और कौन सा साइड होने कौन सा पार्ट होने से ये कॉन्ग्रंट हो जाएगा सपोज बी सी इक्वल टू क्यू आर ओके बी सी इक्वल टू क्यू आर अगर हो जाता है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कितना है नाइन्टी डिग्री एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ठीक है कौन से क्राइटेरिया से एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से एंगल साइड एंगल ध्यान रखें ये 90 डिग्री है आर एच एस हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज ये हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है हाइपोटेन्यूस अगर इक्वल होता है तभी हम लोग आर एच एस अप्लाई कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल एबीसी बी सी कॉन्ग्रां टू एफ ई डी क्यों कॉन्ग्रांट है सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ ये तो क्वेश्चन में गिवन है जी लिख देते हैं दैट मीनस गिवन, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल साइड साइड बी सी इक्वल टू ई, बी सी इक्वल टू ई अभी हम लोग देखते हैं कैसा है एंगल एंगल साइड एंगल एंगल एंड साइड हम तो लोग को पता है एंगल एंगल साइड तो होता है एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रांट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रांट टू ट्राइंगल एफ ई e, डी ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक यू